अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ आज सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बेसिक ज्योमेट्रिकल डिजाइंस किया था, उम्मीद तो आप लोगों ने घर में उसकी प्रैक्टिस भी की होगी और अपने स्केच बुक उसको फाइनल भी किया होगा। ठीक है, आज हमारी जैसे सेकेंड क्लास है तो चलते हैं हम सेकेंड क्लास की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है लैंडस्केप। ठीक है, लैंडस्केप में आपने हमने कुछ प्रीवियस क्लास में भी किए होंगे, जैसे कि इमेजेस में आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। दिस वन ये सी स्केप है, जिसके अंदर पाम ट्रीज भी आ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी हम लोगों ने इस सब चीज़ की प्रैक्टिस की है, आप अच्छी तरह से आपको याद होगा सब चीज़ों को। तो आप लोगों ने इसी तरह की चीज़ें थोड़ी सी ड्रॉ करनी है। देखिए, सेकेंड इमेज सेकेंड इमेज में भी यही थीम है हमारी सी स्केप। ठीक है, थर्ड इमेजेस में भी आ जाते हैं, थर्ड इमेजेस में भी हमारे पास यही सेम चीज़ है, ये सीरीज कैप की थीम की तरह तो सब की थीम है। अब इसमें हमें मटेरियल रिक्वायर्ड है, मटेरियल जो हमें रिक्वायर्ड है उसमें जो कंपलसरी है हमारे पास, कंपलसरी हमारे पास क्या चीज़ें हैं, जैसे स्केच बुक्स आपके पास होनी चाहिए, एच बी पेंसिल होनी चाहिए, इरेजर होना चाहिए, रूलर होना चाहिए और काफर, ये सब चीज़ें आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग यूज़ भी कर चुके हैं अपने स्केच बुक में, ये सब चीज़ें सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और सेकेंडली ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन हमारे पास ऑयल पेस्टल है, सॉफ्ट पेस्टल्स है एंड कलर पेंसिल है। तो ये सब चीज़ें आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन में मीन्स ये है कि आप ऑयल पेस्टल कोई भी, आप जैसे सी स्केप की ड्राइंग है जिसमें आप ऑयल पेस्टल भी यूज़ कर सकते हैं एंड सॉफ्ट पेस्टल भी यूज़ कर सकते हैं, कलर पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, या दोनों सॉफ्ट पेस्टल एंड कलर पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन तीनों में से कोई दो मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, कोई एक भी यूज़ कर सकते हैं, या तीनों ही किसी को एक में लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब आप स्केच बुक की तरफ, मैं आपको ये सब चीज़ें ड्रॉ करके और कलरिंग करके चलते हैं अपनी स्केच। जैसे कि असाइनमेंट नंबर टू आपके एनवेलप में इस तरह से आपको रिसीव हुआ होगा। ठीक है, ये अब असाइनमेंट नंबर टू है हमारी, जिसको हम लोग लैंडस्केप कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे। ठीक है, इसके बेसिक चीज़ें हम लोग कैसे शुरू करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, सबसे पहले आपको वही, जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक चीज़ फ्रेम बनाना सीखा था, तो आपने दोबारा वही 1 इंच का फ्रेम इसी तरह से ड्रॉ करना है। ठीक है, लाइट पेंसिल से। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इस चीज़ ड्रॉ करेंगे किस तरह से। आपने लाइट पेंसिल यूज करनी है। ठीक है, सबसे पहले इस तरह से बिल्कुल लाइट पेंसिल यूज करनी है इस तरह से। ठीक है, ठीक है, ये चीज करने के बाद, ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके मटेरियल्स के ऊपर आ जाएंगे, हम लोग इसे क्या चीज़ इसके बैकग्राउंड में यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अपना जैसे हम लोग लास्ट चीज़ों में यूज़ किया था कि हम लोगों ने सॉफ्ट पेस्टल्स
ऑयल पेस्टल्स एंड कलर पेंसिल, ये तीनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने सबसे पहले इसको सॉफ्ट मैंने जो यूज़ किया है, ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग सॉफ्ट पेस्टल यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कौन सा कलर उठाएंगे, सबसे पहले हम लोग सबसे पहले इसको यहाँ पे हल्का सा ब्लू कलर देंगे यहाँ पर सॉफ्ट पेस्टल से। ठीक है, ये चीज़ करेंगे, ये चीज़ करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ये थोड़ा सा रेड। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगा, तो इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से इसको थोड़ा सा और ठीक है, ये चीज करनी है। ठीक है, फिर आप इन चीजों को हल्के इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा। का इमेज आएगा, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग उसके बाद हम ब्राउन लेंगे। ठीक है, यही चीज़ ब्राउन करेंगे हम लोग, इसके आउटलाइन लेंगे पहले। ठीक है, आप इसको ब्राउन करेंगे, ब्राउन करने के बाद हल्का सा इसके अंदर ब्लैक इसके अंदर टच करेंगे। ठीक है, तो ये एक डार्क फॉर्म में आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर जो है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर अपने लाइट स्काई कलर करना है। यहाँ पे सेम आपने वही ब्राउन कर और ब्लैक लेना है। ठीक है, इसी तरह यही ब्राउन की आउटलाइन लेनी है पहले। ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, फिर आपने इसी तरह इसको मिक्स कर देना। यहाँ भी कर सकते हैं, इसके ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है, हल्का सा इसके साथ ब्राउन टच कर दीजिएगा। ठीक है, ये करने के बाद, ठीक है, फिर आप कलर पेंसिल भी ले सकते हैं, कलर पेंसिल से इसको डार्क कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसकी चीज़ कर आ जाएंगे ये ट्रीज पर। ठीक है, अपने इस तरह से एक चीज़ मैं आपको करके बताता हूँ कि ये चीज़ इस तरह से आएगी। ठीक है,
अच्छा जैसे फिनिशिंग के बाद ठीक है आपके पास फाइनल टच कुछ इस तरह सा होगा, ठीक है ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। ठीक है अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकअल्लाह।